नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। नमस्कार, मैं सुशील कुमार से आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन भारत। इस वक्त मैं बिहिया पूर्वी चार भाग में हूं और चार भाग के प्रत्याशी जो हैं प्रतिनिधि कृष्ण कुमार जी हमारे साथ में हैं। आइए हम जानते हैं और बात करते हैं कि और ये बता दें कि एक एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, अपने बच्चों को खेल के लिए खेल मैदान में अपने 6.5 बीघा जमीन भी दिए हैं। आइए हम बात करते हुए जानते हैं। सबसे पहले आप चुनाव में आए हैं, चुनावी मुद्दा जनता के बीच क्या है आपका? पहले तो मैं सभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया सब लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को ये क्लियर बता देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ का जनता बुला कर लड़ा रही है और मेरे सभी लोगों से यही, जनता से यही निवेदन है कि एक बूढ़े लोग कहावत कह के गए हैं कि बेटी दियाला जान के आ पानी पियाला छान के। जवन प्रत्याशी जहाँ से खड़ा बने उनका बारे में उनका गांवे से पता कर लेवे के बा कि भैया ये प्रत्याशी जोन बानी समाज में रहे लायक बानी कि ना, समाज में यहाँ के कुछ कार्य कैले बानी कि ना, कैसन यहाँ के विचार बा, यहाँ के समाज में 5 साल सेवा देम कि ना, वो गाँवें बता दी वहाँ के विशेष करके जानी कि ना। अगर गांव वहाँ के फुल सपोर्ट करता तो हमारे एकदम कहना बा कि रोबो उनका फुल सपोर्ट करें, लेकिन हमारे एगो निवेदन बा कि जौना गाँव में 600 वोट पोल होला वो गांव से 4-4 को प्रत्याशी लोग खड़ा बा। जौना गांव में जैसे अमराई में 600 वोट पोल होला वो जैसे 4 जना खड़ा बड़न, अमराई में 800 वोट पोल होला तो 4 जना खड़ा बड़न। कौन वार्ड के चुनाव ना, ये मिनी विधायक के चुनाव बा, लेकिन कल्याणपुर पंचायत में 7,000 वोट पोल होला आ निर्विरोध हमारे को जाकर लोग लड़ा रहा बा। कोनो प्रत्याशी ई ना कहियन कि हमारे छवि के बारे में हमारे गांव में पता कर ली, अगर वो कहियन कि हमारे छवि के बारे में हमारे गांव से पता कर ली तो रहुए कहम कि रहुए खिलाफ में 4 गो प्रत्याशी काहे मैदान में बाड़न रहुए गाँव से। जबकि हम हमार चैलेंज बा पहलका प्रत्याशी ऐसा हम आइल बने कि हमार का नाम बा कि रहुआ हमारा बारे में जहाँ से खड़ा बने कल्याणपुर पंचायत में, चाहे उपसमान भाई होकर रविदास भाई, धानुक भाई, कंकर भाई, गोण भाई, बीन भाई, जादव जी, पंडित जी, केहू होके पूछ लिया, अगर एको घर कह दी हमारा के कि भाई कृष्णा सिंह का हम वोट नहीं के देत तो अपनों वोट बेकार हमारा पुनः करे के हो। और शिक्षा के लेकर क्या कीजिएगा? जनता आपको विजय बना कराई तो शिक्षा के लेकर क्या कीजिएगा? देखिए, हम चौमुखी विकास के बारे में सोचता नहीं, शिक्षा के विभाग में हम लोग आजे के एगो छोटा सा एग्जाम्पल देता नहीं, बहुत नवजुवक बाड़न, कुछ ऐसा भी मित्र बाड़न जेकर कॉलेज में ऑनलाइन में चाह के भी एडमिशन नहीं के होत, ऑनलाइन में जैन में महाराजा में नहीं के आवत, जबकि रुवा सबक मालूम है कि डुमराव महाराज के कोटा बा जैन और महाराजा कॉलेज में। आज 56 को हम लेटर बनवा के महाराज जी से सुबह 7 बजे सुबह में अनिया, कटिया में 11 गो, जमुआ में 6 गो, पिपरा में 1 लड़का, बेलौना में 1 लड़का, कल्याणपुर में 9 गो लड़का कह के इसे 56 गो लेटर आज कॉलेज में जॉइन और महाराजा में आज हम लड़कन लोग भेजनिया एडमिशन करावे खातिर जनि। तो चुनाव के बाद सब लोग प्रबोलन देवला के हई करम हो करम ना, चुनाव के पहले रोज सब कुछ दिखाई कि का करम। आ 5 साल नवजुवक के नाम रह दिया, 20 साल तमनी के क्षेत्र देखन जे कि बिहिया पूर्वी चार में ऐसा कोनो प्रत्याशी नहीं अलन जे क्षेत्र के बारे में सोचले होके। शायद अभी रउआ सब कृपा से रउआ सब के आशीर्वाद में पहलका हाली ऐसा होके जा रहा बा कि भरपूर हर गांव के नवजुवक के साथ मिल रहा बा। और सुनने में आता है कि आप खेल मैदान के लिए अपना 6.5 बीघा जमीन दिए, इसके लिए आपका इसके बारे में? जी, कल्याणपुर देखिए एगो रमना मैदान बड़ हुए तो पूरा आराव में खेले होता, कल्याणपुर पकड़ी के बीच में अभी फील्ड ना रहे, ऐसे 6.5 बीघा निजी जमीन हम अपन कोर्ट से अपड्यूट करा के 20 साल खातिर लड़कन के खेले खातिर हम देनी है कि लड़का लोग के हमारे एक कहना बा कि नवजुवक के साथ हम बानी, नवजुवक के साथ हम रहम। आ खाली कल्याणपुर ना, 59 गो गाँव जो पूर्वी चार के बा जहाँ हमारा नवजुवक जौना तरीका से खोजत रहन जब खड़ा उतरतन, हमार कहना बा कि भाई हो हमारे के कोनो तरीका से आजमाओ लोग, अगर हम फॉल्ट पावल जाए कहीं भी तो वैसे हमारे के वोट बेकार मत करी हो लोग।
और तमाम दर्शक और आपके भाग चार के लोग आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे सभी जनता जनार्दन से कि एक एक कीमत का एक एक लाख कीमत है, कोई इसका कीमत नहीं लगा सकता। एक वोट का एक लाख, एक करोड़ कीमत है। एक सरकार गिर जाती है तो एक एक करोड़ रुपया दे करके सरकार बनाया जाता है। एक वोट अगर वो देता नहीं तो पहले वो प्रत्याशी के बारे में छान ली, जांच ली, जहाँ से वो खाड़ा बढ़न उनके बारे में उजे से उनका हिस्ट्री निकाल ली कि वो कैसन बाढ़न, वो बाद अपना आत्मा से गुवाही ली कि वोट हम दी कि ना। अगर हमू गलत बने तो हमरों को वोट बेकार नहीं करे के, आ अगर सामने वाला भी बेकार बने तो उनको वोट बेकार नहीं करे के। सही उम्मीदवार लायक लावे के बा, नालायक ना। अगर नालायक हमू हो कि तो वोट बेकार नहीं करे के। तह दे कृष्ण कुमार जी से हमारा बात हो रही थी, इनका कहना है कि जो भी हम इस बार जनता हमको ला रही है, जो भी कार्य करेंगे कार्य बहुत बढ़िया करेंगे, और जो भी छूटा हुआ कार्य है अपने हम भाग चार में पूरा करेंगे। शिक्षा भी है, अभी हमें बता दें कि जो भी लड़का, जो यंग लड़का है, किसी का एडमिशन नहीं होता है तो एडमिशन ये कराते हैं, माने सामाजिक, पहले से ही सामाजिक लाइन में सामाजिक कार्य करता है। कैमरा मैन अंकित के साथ मैं सुशील कुमार सिंह। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं R9 भारत। इस चुनावी मैदान में किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी, विकास के वादों को लेकर सब अजमा रहे अपनी बारी, गांव की जनता किसके हाथों सौंपेगी पंचायत की पतवार, आखिर अब की बार किसकी होगी गांव की सरकार। देखिए एक खास शो गांव की सरकार, सिर्फ और सिर्फ R9 भारत पर।